हर दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और न्यू डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बड़े ही आसान तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड अप्लाई कैसे करते हैं, तो शुरू से आखिर देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए भी स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। मोबाइल बैंकिंग फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करते हैं, किस तरह से अकाउंट बनाते हैं आधार कार्ड से, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरा आधार कार्ड से मेरा अकाउंट ये बना हुआ है। चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा, उसको डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करूँगा। तो याद से मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे यहाँ बहुत सारे सर्विस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे देखेंगे यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन है, कार्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करें यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको शो करेगा। ठीक है, व्यू कार्ड है, जो पहले से कार्ड आपका एक्टिव होगा तो यहाँ पर आपको शो करेगा। उसको देखिए, अप्लाई फॉर फिजिकल डेबिट कार्ड, अप्लाई फॉर वर्चुअल डेबिट कार्ड। ठीक है, तो जो भी कार्ड के लिए अप्लाई करना है सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मुझे करना है अप्लाई फॉर फिजिकल डेबिट कार्ड करना है तो मैं इस पर क्लिक करता, अप्लाई नाउ पर क्लिक किया। उसके बाद देखिए सेलेक्ट अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है, उसको डन पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप सेलेक्ट करें उसको देखिए यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम शो करेगा, यहाँ पर आपका एड्रेस शो करेगा। ठीक है, तो जो भी एड्रेस यहाँ पर आपको शो कर रहा है उसी एड्रेस पे आपका कार्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें यहाँ सेलेक्ट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी कार्ड आपका एलिजिबल होगा वो यहाँ पर आपको लिस्ट शो करेगा। ठीक है, तो मेरा एक ही कार्ड शो कर रहा है रुपये कार्ड। ठीक, तो मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। उसको यहाँ टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक कर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर आपको शो करें, एक बार आपको चेक कर लिया करना, आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उस पर देखिए यहाँ पर आपको इंटर करना है ट्रांजैक्शन पिन। ठीक है, तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन पिन होगा वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे आप ट्रांजैक्शन पिन इंटर करेंगे तो आपका डेबिट कार्ड अप्लाई हो जाएंगे। मुझे अप्लाई नहीं करना इसलिए मैं यहाँ पिन गलत इंटर कर दिया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही आसान तरीके से आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से आए आप मुझे कमेंट करें, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह वीडियो देखना पसंद करता हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।